लॉकडाउन है और कहीं जा नहीं सकते, तो घर पर कीजिए फेशियल मेरे साथ। तो हाय गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ घर पर आप कैसे कर सकते हैं पार्लर लाइक फेशियल एलोवेरा के हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, एक बात मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैंने जो भी सारे कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मुझे बहुत कमेंट आते हैं मैम प्लीज़ लिंक दे दो, लिंक दे दो। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। तो एलोवेरा लीफ को कट कर लेने के बाद मैंने उसको एक घंटे तक रेस्ट दे दिया था। उसके बाद इसको धो लेने के बाद मैंने इस तरीके से 4 पीसेस में इसको कट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश जूसी एलोवेरा लीव है। और एलोवेरा की क्वालिटीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो ये विटामिन सी और विटामिन ई में बहुत ज़्यादा इसमें भरपूर मात्रा में होता है। ये बेटा कैरोटीन भी कैरी करता है, यह स्किन को मॉइस्चराइज करता है और एंटी एजिंग क्वालिटीज़ के साथ साथ स्किन को सनबर्न को ठीक करता है। यह बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होता, त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है और मैं इसको हमेशा ही यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट रहता है इसका। और एलोवेरा के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, तो एलोवेरा ऑल इन वन मतलब रामबाण इलाज है। बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये क्योर करता है। अब हमने क्या करनी है, इसकी साइड में जो कांटे होते हैं इसको रिमूव कर लेने के बाद इसके एक तरफ के लीफ को इस तरीके से रिमूव कर लेनी है। और यहाँ पे मैं एक एक करके चारों को कर लूँगी। अगर आपको चाकू से करने में दिक्कत हो तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है मेरे पास, वो क्या है वो भी मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके से साइड के कांटे चाकू से पहले आप अलग कर लीजिए। और उसके बाद आपको लेनी है स्पून। स्पून की हेल्प से ये इतना ज़्यादा ईजिली रिमूव हो जाता है, मतलब चाकू से भी बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपको स्पून से रिमूव करना। और बस आपको साइड के कांटे निकाल लेने हैं पहले, फिर स्पून से बहुत ही ईजिली इसको आप अलग कर लीजिए। यह त्वचा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, मॉइस्चराइज रखता है। तो एलोवेरा की मैं तो फ़ैन हूँ, मतलब मेरे यहाँ इतना ज़्यादा एलोवेरा प्लांट लगा हुआ है और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसकी हेयर मास्क बनाती हूँ, फेस मास्क बनाती हूँ, फेशियल हमेशा मैं घर पर इसी से कर लेती हूँ और सच में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। इसका कूलिंग सेंसेशन, इसको मैंने जब यूज़ किया तो मैंने दोपहर में इसको यूज़ किया था और मुझे रात के 8-9 बजे तक मैं ऐसे टच कर रही थी अपनी चिक्स को, तो बहुत ही कूल लग रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब पहली बार मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा इसको फील किया अपने फेस के ऊपर, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं तो इसलिए शायद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला इसका। तो इस तरीके से फर्स्ट के हम इस तरीके से लेके अपने फेस के ऊपर रब करेंगे। रब करने से पहले आपके फेस को आप क्लीन कर लीजिएगा नॉर्मल वाटर से या फिर फेस वाश से। और इस तरीके से रब कर लेंगे हम सर्कुलर मोशन में। नेक को नहीं भूलिएगा अच्छे से हर जगह, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग नेक को फॉरगेट कर देते हैं, देन नेक हमारा अलग और फेस हमारा अलग दिखने लगता है, तो वो अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से नेक को भी हम लोग थोड़ा सा मसाज कर लेंगे और फिर कॉटन बॉल की हेल्प से इसको वाइप ऑफ कर लेंगे। पूरे एलोवेरा जेल को कॉटन बॉल की हेल्प से वाइप ऑफ कर लेने के बाद हम सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे, जो कि है स्क्रबिंग। अच्छे से इसको वाइप ऑफ कर लीजिए। देन हमें स्क्रबिंग के लिए चाहिए होगी एलोवेरा जेल जो हमने लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी लूँगी मैं। आपके पास अगर पाउडर्ड शुगर अवेलेबल ना हो तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चावल का आटा एक बहुत अच्छा वाइटनिंग एजेंट होता है। स्क्रबिंग के लिए ख़ास तौर से चावल के आटे को यूज़ किया जाता है। और मैं चीनी यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, इसमें एक अच्छी सी ग्लेजिंग और ग्लो डालता है, आपको ग्लास स्किन देता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है शुगर हमारे स्किन के लिए। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेप को हम फॉलो करेंगे स्क्रबिंग। आपको फील होगा कितना अच्छा, मैं बता नहीं सकती। स्क्रबिंग करनी है आपको हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा रफ नहीं कीजिएगा आप। और इस तरीके से नेक एरिया को भी कवर कर लीजिए अच्छे से। ऑल ओवर फेस 2 मिनट तक स्क्रबिंग कीजिए आप। ये जो मैं फेशियल बता रही हूँ इसको आपको हफ्ते में एक बार फॉलो करना है और ये सच में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और ख़ास तौर से ये बात भी स्पेशल इसमें कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं घर पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। इस तरीके से सेकेंड स्टेप हमने फॉलो कर लिया है। अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप की तरफ, जो है कि फेस मास्क। तो फेस मास्क हम कैसे बनाएंगे आगे देखिए। तो
तो फेस मास्क के लिए हमने लिया है एलोवेरा जेल, और इसका जेल हम लीफ से कुछ इस तरीके से चाकू से रब करते हुए एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। काफ़ी अच्छा ताज़ा नेचुरल जेल हमें मिल जाएगा। आपके पास अगर एलोवेरा लीफ ना हो तो आप नॉर्मल जो पतंजलि की या ऐसे अदर प्लांट्स की एलोवेरा जेल मार्केट में मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिजल्ट देगा आपको। बट मैं फ्रेश यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका कूलिंग सेंसेशन अलग ही नेक्स्ट लेवल का होता है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं इस तरीके से लीफ से ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। अब हम इसमें सेकेंड इन्ग्रीडियंट यूज़ करेंगे, डालेंगे। पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। ये देखिए इसका जेल टेक्सचर, एक बार में सारा का सारा स्पून पे आ जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका जेल टेक्सचर सच में अमेजिंग है। ये देखिए काफ़ी जेली जेली सा है ये, और काफ़ी अच्छे से हमारा लगभग मैंने यहाँ पे एक स्पून एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट कर लिया लीफ से। देन हम इसमें ऐड करेंगे चंदन। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चंदन डालूंगी, लगभग आई थिंक आधा चम्मच मैं डाल दूंगी, उतना काफ़ी होगा हमारे फेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के लगभग इसमें एलोवेरा जेल में चंदन डाल दिया। चंदन की इतने ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को वाइटन टाइटन करता है, आपकी स्किन में न्यू ग्लेजिंग डालता है, रिंकल्स को झाइयों को दूर करता है, और भी जितनी तारीफ़ की जाए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है चंदन। फिर मैंने ऐड कर ली है एक चम्मच के लगभग गुलाब जल इसमें, और इन तीनों को काफ़ी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आपस में। काफ़ी अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है, और ये हमारा फेस मास्क रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरीके से हमारा फेस मास्क रेडी हो चुका है। अब हमने कर लेनी है इसे आपके अपने फेस पर अप्लाई। तो इसे हम कॉटन बॉल की हेल्प से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉटन बॉल में थोड़ा सा फेस मास्क ले लिया है कुछ इस तरीके से। देन हमें अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लेनी है इस फेस मास्क को। देख सकते हैं आप कितना अच्छा फेस मास्क हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसमें हमने गुलाब जल डाली है जो कि स्किन को हाइड्रेट रखेगा। गुलाब जल तो नॉर्मल भी हम लोग डेली रूटीन में ऐड करते हैं, यूज़ करते ही हैं। मैं तो हर रात में सोने से पहले गुलाब जल से पहले फेस को वाइप ऑफ कर लेती हूँ, देन उसके बाद एलोवेरा जेल अप्लाई करके मैं सो जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरी स्किन रात भर एक अलग सा जोन में रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे फील होता है। और सुबह उठने के बाद आपका स्किन देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, ग्लोइंग और काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो ये एक टिप आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, नोट कर लें। इस तरीके से इस फेस मास्क को पूरे फेस पर मैं अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छे से इसको अप्लाई कर लेने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि हमने फेस मास्क थर्ड स्टेप में अप्लाई किया है, इसलिए हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक वेट करना है जब तक कि ये सूख ना जाए। और इस फेस मास्क को हम नेक पर भी अप्लाई कर लेंगे। मैंने बोला नेक एरिया हमारा छूटना नहीं चाहिए, तो नेक पर अप्लाई। यहाँ पर मैंने फेस मास्क को धो लिया है, और अब इसे एक क्लीन टॉवल की हेल्प से पैट करते हुए हमने पोंछ लिया है चेहरे को। हमने रब नहीं करना है फेस को, हमें ऐसे डैबिंग मोशन में पैट करते हुए पोंछ लेना है फेस को। तो इस तरीके से ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्टेप करनी है फोर्थ, यानी कि मॉइस्चराइजिंग। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो फोर्थ पीस कट करके रखा हुआ था उसे लेना है इस तरीके से, और इसको ऑल ओवर फेस पर कर लीजिए अप्लाई। स्लोली जेंटल रहिए इसको अप्लाई करते हुए, हल्के हाथों से ऑल ओवर फेस अप्लाई कर लीजिए। इससे आपके डार्क सर्कल्स भी रिमूव होंगे। इसके बेनिफिट्स मैं थोड़े गिना दूँ, वरना आप कहिएगा मैम आपने तो पूरे ढंग से बताया नहीं। बीच बीच में आप इसको इस तरीके से नाखून से कर लिया कीजिए, इससे क्या होगा कि जूस एक्सट्रैक्ट होता रहेगा, और ये आपके पफी आई, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, पिंपल स्पॉट्स, ड्राई स्किन, डल स्किन, सनबर्न, कई तरीके के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। और साथ ही ये अगर आपके आईब्रोज घने नहीं हैं या फिर आईलैशेस बहुत छोटे हैं तो उनको भी ग्रोथ देगा, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए एलोवेरा के इतने सारे फ़ायदे तो हैं ही,
और इसलिए मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से हमने कर लेनी है मॉइस्चराइज़ अपने फेस को। आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर ग्लो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है मेरा फेस। आपको क्लियर डिफरेंस नोटिस हो रहा होगा बिफोर एंड आफ्टर में। तो ये फेशियल आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस लॉकडाउन में अपने घर पर, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा। और हाँ, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।